नमस्कार, आप देख रहे हैं ANS मीडिया ग्रुप। मैं इसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी मंडी खारी बावली में। दोस्तों, आज यहां के कर्मचारी और कुछ व्यापारी यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका कारण क्या है, आइए खुद देखते हैं, उसके बाद व्यापारियों से बात करेंगे कि आखिर आज धरना का कारण क्या है। देख सकते हैं यहां किस तरह की स्थिति बनी हुई है। और आइए चलते चलते बात करते हैं, यहाँ हैं भरद्वाज जी, क्या कहेंगे आप जो है खारी बावली की नरकीय स्थिति बनी हुई है। आप देख रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं कि यहाँ क्या पोजीशन है। यहाँ डेंगू कितने हो रहे हैं, कितने यहाँ कर्मचारी हैं, कितने पल्लेदार भाई हैं, सब बीमार हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं, ना कोई प्रशासन हमारे लिए कोई सुनता है। इसलिए हमने आज ये धरना प्रदर्शन रखा। और धरना प्रदर्शन के अंदर हमने यही बात रखी है प्रशासन से भी, हमारी किराना कमेटी से भी, कि ये जो जीवन है, ये देखो नरक, ये देखो यहाँ चौधरी भाई गिरते हैं, पल्लेबदार जो ठेले पे चलते हैं, ये जितने भी गिरते हैं सबको, इनको चोट लगी हुई है और इनको आधों को बीमारी हो रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एशिया की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट्स और मसाला मंडी है। और यहाँ दोनों साइड आप मेरे बाएं साइड देखेंगे, ये गड़ौदिया मार्केट है जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। और यही राइट साइड में मेरे जो है कटरा ईश्वर भवन है जो कि मेवा की सबसे बड़ी मंडी है। और यहाँ के जो व्यापारी हैं, आप देख सकते हैं, नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। दोस्तों, महीनों से लोग यहाँ के जो भी व्यापारी हैं, जो संस्थाएं हैं, सभी को जो यहाँ की जिम्मेदार विभाग हैं उनको लेटर दे दे करके परेशान है, लेकिन इनका कोई सुध लेने वाला जो है नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ माहौल जो है बना हुआ है। और लोग जो है दो तीन महीने से जो है, आइए एक क्या कहेंगे, ये कब से है इस तरह का? ये दो महीने से कहीं की इसकी शिकायत क्या कुछ हो रही है? कोई नहीं, सो एक नेता भी आया तो भी करा, दो ताज चार दिन में बन जाएगा, वही नहीं बना, विधायक को बोल रहे हैं, विधायक को। आप देख सकते हैं जो यहाँ के क्षेत्रीय प्रशासन है जिनकी जवाबदेही है, जहाँ यहाँ से दोस्तों बता दूं कि करोड़ों करोड़ रुपया का जो है टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, उसके बावजूद भी जो है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो भी मजदूर हैं, जो ठेला खींचने वाले हैं, वो जो है अपनी ठेला को जो है पलट करके रखे हैं, रास्ता को जाम कर रखे हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये दोस्तों कटरा ईश्वर भवन है जो कि ड्राई फ्रूट्स की सबसे बड़ी मंडी है एशिया की। सारे कटरों में पुरानी शीवर लाइन, पुरानी पाइप लाइन है और सब डैमेज हुई पड़ी। उसको मैंने हमारे सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी को भी लेटर दिया, मैं कॉपी आपको दे रहा हूँ। कमिश्नर कॉरपोरेशन को मैंने सिविक सेंटर में दिया, मैं उसकी भी कॉपी आपको दे रहा हूँ। अतीशी जी को मैंने कई बार लिखा, मैं उसकी भी कॉपी आपको दे रहा हूँ। और मैंने कल परसों में सभी जो दिल्ली के अथॉरिटीज हैं उनको फिर दोबारा लेटर लिखा है कि व्यापारी जो है यहाँ बड़ा परेशान है, व्यापार करने आता है और दुकान में नहीं बैठ पाता गंदगी की वजह से। लेकिन कोई भी एजेंसी पूरे क्षेत्र में, मैंने कितनी बारी ACP ट्रैफिक से मिला, लेकिन आज तक मोरी गेट से नवल्टी तक की समस्या हल नहीं हो रही। व्यापारी दूर दो डेढ़ डेढ़ घंटा फंसता है। हमारी सभी एजेंसियों से रिक्वेस्ट है, मैं किसी पार्टीबाजी में नहीं जाता, सभी एजेंसी से रिक्वेस्ट है कि कृपया जब व्यापारी दिल खोल के आपको पूरी को टैक्स देता है तो उसका भी समाधान करना आपकी ड्यूटी बनती है। व्यापारी अगर काम नहीं कर पाएगा तो उसका टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। नरक जीवन बना हुआ है, कोई भी अधिकारी यहाँ आ जाए, खड़ा हो जाए तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो मेरी सबसे प्रार्थना है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, कि वो आएँ हमारे क्षेत्र में। हमने इतने लेटर दिए हैं, हर वेबसाइट पे, ईमेल पे, स्पीड पोस्ट से, बाई हैंड सब दे रखे हमने। जो मजदूर हमारा ठेला लेके चलता है वो कोई जानवर नहीं है, वो बेचारा खींचता है, रिक्शा वाला खींचता है, वो उलट जाता है, सवारी उलट जाती है, माल उलट जाता है, इससे ज़्यादा बुरा हाल क्या होगा। अब फेस्टिवल सीजन सारे हैं, सारे फेस्टिवल के अंदर यहाँ आप लोग सभी लोग पूरी दिल्ली के आते हैं, ऐसी पोजीशन में कैसे आएंगे? व्यापार सफर करेगा और व्यापारियों को दिक्कत आएगी। और हम ये बार बार फिर कहते हैं कि इससे पहले के त्यौहार आएँ, सभी एजेंसियों को इस पर ध्यान रख के, आपके माध्यम से मैं अपील करूँगा कि सभी एजेंसियाँ इस पर ध्यान दे के तुरंत कार्रवाई कराएँ
जिससे कि व्यापारियों की समस्या हल। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ एक बैनर लगा हुआ है, खारी वावली की समस्याओं का कब होगा समाधान। और यहाँ तमाम जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, कोई किसी संस्था का बैनर दोस्तों यहाँ नहीं लगा हुआ है, जबकि यहाँ कई संस्थाएं हैं। यहाँ रिटेल मार्केट की संस्था है, यहाँ थोक मार्केट की भी संस्था है, लेकिन किसी का भी यहाँ बैनर नहीं लगा है। लेकिन एक ज़रूर यहाँ बैनर लगा होगा कि खारी बावली की समस्याओं का कब होगा समाधान। आइए यहाँ कुछ कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे भी बात करते हैं क्या कह रहे हैं, आज यहाँ धरना प्रदर्शन पर क्यों बैठे हुए हैं। आपका शुभ नाम? संत कुमार गुप्ता संतू। आज यहाँ खारी बावली में विवेकानंद चौक पर आप बैठे हुए हैं, क्या समस्याएं क्या हैं? समस्याएं हमारे लिए बहुत है, हमारी जो संस्था द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारा किराना कमेटी है वो भी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। मजबूरन पलदारों की हालत देखते हुए हमको ये कदम उठाना पड़ा कि जो खारी बावली में हम धरना प्रदर्शन बैठे हैं, समाधान हो जाता है ठीक है, नहीं तो इनको हम एक हफ्ते का मोहलत देते हैं। अगर हमारा समाधान नहीं होता है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। मेरा नाम बिट्टू है और काफ़ी समय से यहाँ पर सीवर की स्थिति, सफाई की स्थिति और जगह जगह गड्ढे, सड़कें टूटी हुई हैं, इससे हम बहुत परेशान हो चुके हैं। मेन समस्या यहाँ पर कर्मचारियों की है और पल्लेदार भाइयों की है, क्योंकि उन्होंने 24 घंटे यहाँ रहना होता है, सुनवाई नहीं है। यहाँ का विधायक बिल्कुल बेकार, निकम्मा। आइए यहाँ जीवन मिश्रा जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। जीवन जी क्या कहेंगे आज की समस्या के बारे में? आज की समस्या के बारे में बहुत दुखद बात है कि जब से केजरीवाल जी को निगम मिली है ना, तब से खारी बावली की बहुत ही बुरा हाल है और आए दिन हमारे पल्लेदार भाई चोटिल हो जाते हैं। जो चर्च मिशन की रोड है, खारी बावली की रोड है और तिलक बाज़ार की जितनी सड़कें हैं सब खराब हैं। देखिए यहाँ के जो चौकी इंचार्ज है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा जो है रास्ता जाम हो चुका है और जल्द से जल्द यहाँ का जो धरना प्रदर्शन है उसको हटाया जाए। आइए दोस्तों बात करते हैं, किराना कमेटी के महामंत्री हैं ललित गुप्ता जी, इनसे भी बात करते हैं। कर्मचारी और पल्लेदारों के समस्या को लेकर के बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ये समस्या आज की नहीं है, पिछले 1.5-2 सालों से हम इस समस्या को भुगत रहे हैं और इसको भुगतते हुए हम देखते हुए हम परेशान थे। लेकिन अभी हमारे साथ ऐसा कोई वो नहीं हो रहा था कि हम क्या करें। जब हमने प्रशासन को कम से कम 40 लेटर दिल्ली प्रशासन, गवर्नर और केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार सबको लेटर भेज दिए, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उसके बाद हमें ये कदम उठाना पड़ा कि एक धरना दें जिससे लोगों को, प्रेस को पता लगे कि हमारे यहाँ हम किस समस्याओं से गुजर रहे हैं। यहाँ पर एशिया की ये सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पर सभी प्रकार के लोग आते हैं, या लेडीज़ भी बहुत आती हैं, उनके रोज कोई ना कोई चोट लगती है। ललित जी एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा कि तमाम यहाँ हजारों व्यापारी हैं लेकिन इस समस्या को लेकर के व्यापारी आपके साथ नहीं है, क्यों? ये तो व्यापारी तो साथ हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, हमारे पास हमारे साथ बैठने का समय नहीं है। व्यापारी तो साथ है, समस्या तो उनके साथ भी है, उनके उनके उनका परिवार है, जो पल्लेदार है उनका परिवार है, कर्मचारी उनका परिवार है, उस परिवार में समस्या तो है लेकिन उनके पास समय नहीं है हमारे पास हमारे साथ बैठने का। आपने आह्वान किया है इस धरना प्रदर्शन को, क्या कहेंगे आज जो समस्याएं यहाँ खारी बावली में है? हमारा मेन उद्देश्य यही था कि प्रशासन के हमारी समस्याओं की तरफ ध्यान जाए, उसी के लिए हमने धरना प्रदर्शन करा था। मजदूरों को परेशानी हो रही थी, बीमारियाँ फैल रही, यहाँ पर चोटिल हो रहे हैं मजदूर, ठेले पलट रहे हैं, तो हमारा एक ही उद्देश्य था कि इसे प्रशासन का इस तरफ ध्यान जाए और हमारी समस्याओं पर प्रशासन गौर करे, इसी उद्देश्य से हमने ये अपना प्रोग्राम रखा था। लेकिन जो वर्तमान में यहाँ के व्यापारियों की अग्रणीय संस्थाएं हैं, कई संस्थाएं हैं, एक नहीं कई संस्थाएं हैं, यहाँ किराना कमेटी है, जड़ी बूटी की संस्था है, रिटेलर की है, लेकिन भाई जिसके ना फटी पैर बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई, जिनको दर्द था वो आ गए, जिनको दर्द था वो नहीं आए। आपके महामंत्री ये कह रहे हैं कि महीनों से लेटर जो है संस्था के द्वारा सारे जो संबंधित विभाग हैं उनके यहाँ जाते रहे हैं लेकिन समस्या का निदान नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा जब से ये सरकारें उथल पुथल होने लगी है, ये पत्राचार से कोई काम नहीं करता, जब तक आप सड़क में नहीं आओगे आपकी सुनवाई नहीं होती। देखिए मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, हमारे जो पहले भूतपूर्व प्रधान विजय गुप्ता बंटी जी से, उन्होंने इस बाजार के लिए अपना जीवन दान कर दिया जी, इस बाजार के लिए सब कुछ अपना निशावर कर दिया। मैंने यही चीज़ अभी पूछने वाला था लेकिन ये क्वेश्चन उठ करके आपने उठा दिया
कि ये विजय बंटी जी के बाद ये पहली धरना प्रदर्शन इस चौक पर जो है दिख रही है। ये धरना प्रदर्शन भी मैंने इनको जबरदस्ती करवाया है। मैं प्रवीण कसेरा, मैंने जय सिंह जी को और संत कुमार संतू को जबरदस्ती मैंने कहा जी जाओ धरना प्रदर्शन करो, लेकिन हमारे किराना कमेटी के जो प्रधान हैं ये मेरे कारण ही प्रधान बने और उन्होंने आज तक ऐसा यहाँ का माहौल बना दिया। उनकी कोई जानकारी नहीं है ना कि जो यहाँ कुछ करने नहीं दिया उन्होंने। यहाँ सिर्फ किराना कमेटी के अंदर ये बैठकर पॉलिटिक्स खेलते हैं आपस में। आज इसी बात के इनके व्हाट्सअप निकलते हैं। केवल आप अगर किराना कमेटी को दोषी ठहरा रहे हैं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, ये समस्याएं सबकी है। यहाँ हजारों हजार व्यापारी हैं, करोड़ों टैक्स जाता है यहाँ से। एक बार सबसे बड़ी बताना चाहता हूँ, किराना कमेटी एक बहुत संस्था थी। यहाँ पे राज्यपाल भी आते थे, सारे गवर्नर आते थे, सारे मुख्यमंत्री आते थे, लेकिन ये किराना कमेटी के अंदर ही जो बैठे हुए हैं दो चार जने, इन्होंने सारी खारी होली का नाश कर दिया। यहाँ है विजय गुप्ता मास्टर जी, इनसे भी इनका भी कमेंट लेते हैं। आज के धरना प्रदर्शन के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ की जो प्रबल समस्याएं हैं, यहाँ के जो व्यापारी हैं नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। देखिए रंजन जी, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आज करीबन दो महीने से खारी बावली का व्यापारी नरक में जी रहा है। क्या तिलक बाजार हो, खारी बावली हो, चट मिशन रोड हो, या SP मुखर्जी मार्ग हो, हालत इतनी बस से बदतर है कि चलने लायक है नहीं। रिक्शाएं पलटती हैं, ठेले पलटते हैं, लेकिन प्रशासन, दिल्ली सरकार या MCD कोई ध्यान इधर नहीं दे रही है। दिल्ली सरकार, केजरीवाल, RTC, पलासानी, पल्लेदार जिंदाबाद,